मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, पिताजी का नाम श्री राम रंग सिंह है। हम अलियाबाद कटाई थाना जियनपुर के निवासी हैं। मामला ये है कि राजनैतिक मामला है ये हम लोग जो है चुनाव में यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक जी के विरोध में थे और ये ज़मीन हमने ग्राम दिलसादपुर के नागेंद्र सिंह रहने वाले हैं उनसे लिया था अपनी भाभी के नाम से, और पिताजी मेरे कॉन्ट्रैक्टर पेशे से थे और उन्हीं के फर्म से उन्हीं के खाते से नागेंद्र सिंह विक्रेता के खाते में जितना भी धन दिया गया है उन्हीं के खाते से ट्रांसफ़र किया गया है। ये मूल रूप से मेरी ज़मीन जो है पैतृक संपत्ति में आती है, इसमें शासन और प्रशासन की से मिल करके राजनैतिक लोग और मेरे ज़मीन को कुर करवा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। मैं इसके लिए अगर ये कुर करके जा रहे हैं, मुझको नोटिस दिए हैं, मैं इसके लिए जा करके अगला दरवाज़ा ज़रूर कानून का खटखटाऊंगा। और इस तरह अक्सर लोग प्रताड़ित करते रहते हैं पुलिस से मिल करके, प्रशासन से मिल करके, शासन से मिल करके। जितने ऊपर भी मेरे ऊपर मुकदमा लगा, मेरे भाई के ऊपर मुकदमा लगा, मेरे भाई का नाम संग्राम सिंह है, जितना भी मुकदमा लगा सब इन्हीं लोगों की देन है। वो लोग स्थानीय पूर्व विधायक जी के जेठ हैं, उन्हीं की देन है, उनकी उनका प्रतिनिधित्व वही करते हैं। और गांव ग्राम जो भी लोग मेरे लोग उनके यहाँ अगर जाते हैं तो वो लोग कहते हैं सीधे सीधे कि आप उनके आदमी हैं, और यदि उनके आदमी हैं तो आप लोग भी मेरे विरोधी हैं। उनकी मंशा मेरे प्रति पता नहीं क्यों, क्या भगवान ने उनको बुद्धि दिया है, क्या मैं उनका विरोध किया हूँ, जबकि आज के 10 साल पहले मैं से और पूर्व 50 साल तक मेरा उनका बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। किसके बकावे में आकर के क्यों आकर के ऐसा करते हैं ये तो मुझको नहीं मालूम है। हाँ, पुलिस को तो को कथनी और करने में फर्क है ना। पुलिस को जो बताया जाता है पुलिस उसी हिसाब से चलती है। पुलिस को सत्ता पक्ष के लोग जो बताते हैं, प्रभावशाली लोग बताते हैं, उसी हिसाब से चलती है। और पुलिस ने उठा करके इन्हीं लोगों के प्रभाव से ही आकर के पुलिस ने मुझको कुंटू गैंग से जोड़ दिया, जबकि कुंटू गैंग से जुड़ने का कोरम मेरा कोई औचित नहीं है। मेरा दूर दूर तक कुंटू से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कुंटू गैंग में ले आकर के ये लोग मुझको जोड़ दिए और जोड़ करके मुकदमा लगवा दिए। केवल कुंटू गैंग में मैं कागज में हूँ, पुलिस के कागज में हूँ, और इन्हीं लोगों की इन्हीं राजनीतिक लोगों की देन है कि मैं कुंटू गैंग में जोड़ा गया हूँ। हम इससे बहुत दुखित हैं, आहत हैं, जबकि मेरी ज़मीन है, यहाँ मेरी ज़मीन है। इस गाटा संख्या में 3 हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार की ज़मीन मैं लिखवाया हूँ। और ये ईंट भट्ठा जो है मेरे गांव के पड़ोसी गांव के बगल में पनसब्दा गांव है, वह प्रमोद सिंह उनका ईंट भट्ठा इस पर चलता है। इस ईंट भट्ठे से मुझको कोई लेना देना नहीं है, मेरी इसमें केवल ज़मीन है। ज़मीन से मेरा मतलब है ईंट भट्ठा उनका चलता है, इससे ईंट भट्ठे से मुझे लेना देना कुछ नहीं है। इस कुर्क के बाद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं अपने तरफ से ज़मीन को छोड़ दे रहा हूँ। ज़मीन मेरी है, कुछ ज़मीन मेरी है, पूरी ज़मीन मेरी नहीं है। इसमें 1/3 मेरी है, बकिया 1/2 दूसरे लोगों की है। लेकिन अब वो प्रमोद सिंह जाने, भट्ठा मालिक जाने कि चलाएंगे और दो लोग हिस्सेदार हैं वो चलवाएंगे कि नहीं, अगर चलता है कोई कार्रवाई होती तो इससे मैं दूर भी रहना चाहता हूँ। मैं पहले ही इसका अपने तरफ से हटा देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोई लांछन कोई कानूनी कार्रवाई ना हो अगर ये भट्ठा चलता है तो। सब इशारे पर, सब पूर्व विधायक के जेठ और उनके प्रतिनिधि के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यहाँ से लेकर के न्याय की गुहार लगा रहा हूँ और यहाँ से लेकर के जितनी कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिला अधिकारी के महोदय के यहाँ जाऊँगा, अपनी बात फरियाद रखूँगा। जबकि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। ये ट्रांजेक्शन हुआ है जो विक्रेता के खाते में जो पैसा गया है, मेरे पिताजी के ने ही अपनी बहू के नाम से बैनामा करवाया है, रजिस्ट्री करवाया है और अपनी अपने खाते से ही उनको खाते में पैसा दिया है। पिताजी पैसे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, और पैतृक संपत्ति में आती है, इसको अवैध तरीके से कुर किया जा रहा है।